अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजट बर्ड चैनल पर। साथ ही उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, फिट पार्ट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो तमाम भाइयों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं, समझ लें रिक्वेस्ट क्या, कमेंट्स काफ़ी सारे आ चुके हैं कि हमारे बर्ड सुस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सुस्त रहने की काफ़ी रीज़न होती हैं कि बर्ड जो हैं आपके वीक हो जाते हैं या वीकनेस फील कर रहे होते हैं। उसके लिए चंद उनकी रीजंस भी बताऊंगा, उनके हाल भी बताऊंगा आपको। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि आपके बर्ड सुस्त क्यों रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो सकता है। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, अभी कराची का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त दिन में तो काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन सुबह और रात में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड रहें यानी कि सुबह तक इकट्ठे यानी कि फूल कर बैठे हुए होते हैं या सर झुका कर बैठे हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मौसम की वजह से, तब्दीली की वजह से, अगर फिर भी, और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी, सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि आप नया नया बर्ड लाते हैं, ठीक है, नई जगह पे बर्ड एडजस्ट होने में टाइम लेता है, हफ्ता 10 दिन या 4-5 दिन में भी सेट हो जाते हैं। वो बर्ड्स भी ऐसे ही मुँह छुपा कर बैठे रहते हैं। थर्ड नंबर पर काफ़ी बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बुखार होता है, यानी कि आप लोग गौर नहीं करते, आप उन्हें खाली दाना वगैरह देते, आप ये चेक नहीं करते कि बुखार है कि नहीं है। तो बुखार चेक करने का जो बड़ा इजी सा तरीका वो ये है, आप बर्ड्स को पकड़ें, बर्ड्स को पकड़ने के बाद आप उनके पाँव चेक करें, अगर पाँव गर्म हुए तो आप समझ लें कि आपके बर्ड्स को बुखार है। फ्रेंड, मेन रीज़न यही है आपके बर्ड्स को समझ लें सुस्त होना। एक और रीज़न भी हो सकती है कि आपके बर्ड्स को रानीखेत की बीमारी हो, लेकिन रानीखेत के मसले में ये नहीं होता कि बर्ड बिल्कुल सुस्त बैठा रहे, लेकिन रानीखेत के मसले में ये भी होता है कि बर्ड बिल्कुल गिर रहा होता है इधर उधर। चलें अभी इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन पर नंबर वन पर जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, नंबर वन का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जैसे आप नया बर्ड्स लाते हैं उसका सॉल्यूशन तो ये है कि बर्ड्स कुछ दिन लेगा, एडजस्ट हो जाएगा आपके घर के हिसाब से, आपके केजेस के हिसाब से। और सेकेंड नंबर पर जो बर्ड्स बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो आप उन्हें पैनाडोल सिरप दें। पैनाडोल सिरप वो वाला जो हम अपने बच्चों को देते हैं बुखार के लिए, वो आप एक चम्मच दवा यानी कि पैनाडोल सिरप 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप 3 दिन दें, इंशाल्लाह आपके बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और थर्ड नंबर पर जो रीज़न बताइए आपको, यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से, तो मौसम की तब्दीली से बचाने के लिए आप अपने बर्ड्स को, अगर आपने ओपन रखे हुए हैं, जैसे मैंने अपने ओपन उसमें स्पेस में रखे हुए हैं, या आउटडोर आपका सेटअप है, तो आप रात को यानी कि किसी कपड़े से ढक दें, हल्के फुल्के कपड़े से ढक दें, ताकि इनको डायरेक्ट हवा ना लगे और ये सूख ना पड़ सकें। फ्रेंड्स, ये रीज़न थी और ये हाल था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, काइंडली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।